और इस वक्त हम अपने व्यूअर्स को एक ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें, जहां पर लेबनान में एक पोर्ट पर एक बहुत ही शदीद किस्म का धमाका हुआ है, जिसमें सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं। धमाके की इर्द गिर्द की जो बिल्डिंग्स थी उनको भी बेहद नुकसान पहुंचा है, शीशे टूट गए हैं, बालकनीज भी कलाप्स कर गई हैं। और ये इमीडिएटली अभी तक क्लियर नहीं हो सका कि इस ब्लास्ट की वजह क्या है और किस किस्म का एक्सप्लोसिव वेयर हाउस में रखा गया था। जी हाँ, लेबनान की स्टेट एजेंसी और दो सोर्सेज का कहना है कि वेयर हाउस हाउसिंग एक्सप्लोसिव मटेरियल एक जगह पर रखा गया था जहां पर यह धमाका पेश आया है। लोकल ब्रॉडकास्टर LBC ने कोट किया है हेल्थ मिनिस्टर को, जिनका बताना है कि बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए हैं, जबकि लोकल TV का बताना है कि जख्मियों की तादाद बहुत ज़्यादा हो सकती है क्योंकि धमाका शदीद बड़ा था। विटनेसेस का कहना है कि उन्होंने पोर्ट के आसपास हैवी ग्रे स्मोक देखा और धमाके की आवाज़ दूर दूर तक सुनाई दी, जबकि धमाके के बाद ब्लैक स्मोक और आग के ऊंचे फ्लेम्स दिखाई दिए और डाउनटाउन का तमाम एरिया जो है वो उसकी जो विंडोज़ थी वो स्मैश्ड हो गई कम्प्लीटली तौर पर और हर तरफ लोग जख्मी हालत में नज़र आ रहे थे। ये इंसिडेंट एक टोटल केओस है। और इस वक्त हम अपने व्यूअर्स को एक ब्रेकिंग न्यूज़ देते चलें, जहां पर लेबनान में एक पोर्ट पर एक बहुत ही शदीद किस्म का धमाका हुआ है, जिसमें सैकड़ों लोग जख्मी हुए हैं। धमाके की इर्द गिर्द की जो बिल्डिंग्स थी उनको भी बेहद नुकसान पहुंचा है, शीशे टूट गए हैं, बालकनीज भी कलाप्स कर गई हैं।